तो दोस्तों आपने बहुत सी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट एरिया देखा होगा जिसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट टाइप किया जाता है और उसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया मतलब टाइप करने के लिए एक छोटा सा एरिया होता है, बॉक्स होता है जिसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया रोज इजकल टू 10 कॉलम्स 30, ये उसका साइज है। उसके बाद बीच में जो भी आपको मैटर टाइप करने और स्लैश टेक्स्ट एरिया से इसको क्लोज कर देंगे। अब इसमें जैसे ही हम देखेंगे तो इस तरह से ये टेक्स्ट एरिया बन गया है। अब इसको हम खींच के बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी टाइप करना चाहें तो डायरेक्ट हम बैक पेज के अंदर हम टाइप कर सकते हैं।